Like a dream, we love like martyrs. Drowning like getting high, never sober. With the weight of the world on our shoulders, hey, hey. You and I running around chasing the lights. Under the moon with our tunes playing all night. Feel like the world was wrong. Hi guys, welcome to Gyan Modification. आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में. दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कि बाइक में बोल्ट चार्जर को कैसे इंस्टॉल करें. तो दोस्तों जो बोल्ट चार्जर है हमें फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कराता है, साथ में एक ये ट्रैकिंग डिवाइस है जो कि विदाउट इंटरनेट पे वर्क करता है. तो फ्रेंड्स आज मैं इसको आपको बताऊंगा कि बाइक में कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे वर्क करता है. और अगर आपको फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैं अगर आपको इस कंपनी से लेना है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. अगर आपको आपके पास अमेजोन का वॉलेट है, अगर आप वो यूज करते हैं तो मैं आपको अमेजोन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं. और फ्रेंड्स ये आप साथ में वाटर प्रूफ भी है, अब बारिश वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी. और साथ में फ्रेंड्स अगर जो इसकी प्राइस है वो है 1947 यानी कि 1947 रुपये. जो पहले प्राइस थी वो 2200 रुपये थी जो कि कम हो गई 1600 ही, फिर अब वापस ये डिमांड में आ चुका है इसलिए इसकी प्राइस 1947 रुपये है अभी के. तो फ्रेंड्स चलिए इसको इंस्टॉल कर. हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल के आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के. हाँ तो फ्रेंड्स ये जो बोल्ट चार्जर है इसको बाइक में फिक्स करने के लिए ये जो आप केबल वाला पार्ट देख रहे हैं इसको हमें जो हैंडल बार के ऊपर लगाना होगा. तो फ्रेंड्स जिस साइड आपकी बैटरी का पैनल है उसको उसी साइड में लगाएंगे, जैसे स्प्लेंडर में इसकी जो साइड है वो राइट साइड है तो उसे राइट साइड में फिक्स करेंगे. तो हमें करना ही है कि इसको स्टेप्स फिक्स करना है और उसके बाद ये जो वाला पार्ट है इसको नीचे स्टेप्स फिक्स करना है और उसके बाद जो इसके ऊपर नट है उसको लगाना. दोस्तों चलिए इसे कर लेते हैं. हाँ तो फ्रेंड्स इसको मैंने अच्छी तरह से फिक्स कर लिया. अब हमें करना है कि ये जो आप इसका ये वाला पार्ट देख रहे हैं और ये जो आप इसकी पिन देख रहे हैं, ये चार्जर है, जो इस चार्जर को इस स्टेप से इसके ऊपर यूँ फिक्स करना है. ये देखिए दोस्तों ये पिन है और ये वाला इसका पार्ट है, इसको अंदर स्टेप से फिक्स करना है और ये फिक्स हो चुका है दोस्तों. उसके बाद हमें इसका कनेक्शन डायरेक्ट बैटरी से करना है. तो चलिए इसे भी कर लेते हैं. तो सबसे पहले इस पार्ट को खोल लेते हैं और इसे साइड में रखते हैं. अगर आपके पास बड़ी बाइक है जैसे पल्सर वगैरह तो आप इस पार्ट को मतलब टाइए सीधा ये उसमें बैटरी में लग जाएगा. अगर आपके पास ये सिंपल बैटरी जिसके अंदर इस टाइप का पार्ट नहीं तो आप सबसे पहले इसको हटा लीजिए और इसकी जो वायर है सीधा उसे डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कीजिए. हाँ तो फ्रेंड्स अब हमें करना है कि जो केबल है इसको अपने जो टैंक है पेट्रोल टैंक उसके नीचे से निकालना है. तो इसको इस टाइप से निकाल के और अंदर की साइड फिक्स करके इसको बैटरी कनेक्शन तक लेके जाना. तो चलिए दोस्तों मैं इसे कर लेता हूँ. हाँ तो फ्रेंड्स ये जो वायर थी मैं इसको पेट्रोल टैंक के से नीचे लेके और बैटरी कनेक्शन तक ले आया हूँ. अब हमें करना है कि जो आप ये बैटरी की रेड वायर देख रहे हैं इसके अंदर इस रेड वायर को लगाना है और ये जो बैटरी की ब्लैक वायर देख रहे हैं इसके अंदर ब्लैक वायर को लगाना है. तो चलिए दोस्तों इसे भी कर लेते हैं. ये भी हो चुका दोस्तों और अभी साइड पैनल को लगा देते हैं. हाँ तो फ्रेंड्स मैंने जो चार्जर था चार्जर का कनेक्शन था उसे पूरा कर लिया और आप ये देख रहे हैं इस तरफ रेड लाइट जल रही है. उसके बाद हमें ये जो इसका कवर है इसको फिक्स करना है जो कि इस टैंक के ऊपर होगा. आप इसको इस साइड भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी और इसको इधर भी, जहाँ आपका मन हो. तो चलिए दोस्तों इसे ही फिक्स कर लेते हैं. हाँ तो फ्रेंड्स ये जो इसका कवर था इसको ही मैंने फिक्स कर लिया है. आप देखिए मैंने इसको किस टाइप से फिक्स किया है. ये जो आप ये देख रहे हैं इसका ये जो पट्टी है इस पट्टी को मैंने सेकंड पट्टी के साथ ये देखिए ये लॉक लगा दिया है और ये जो सेकंड वाली है इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया. देखिए दोस्तों कुछ इस टाइप से. तो अब दोस्तों इसे चेक करते हैं काम करता है नहीं करता. हाँ तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये जो आप इसके साथ यूएसबी केबल आती है इसको ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पोर्ट. इस यूएसबी केबल को इसके अंदर लगाना है. एक सेकेंड ये कुछ इस टाइप से. और उसके बाद हमें करना है दोस्तों इसके मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है. और मोबाइल के साथ कनेक्ट करने से पहले दोस्तों आप एक चीज़ याद रखिए
ये फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कराता है, तो इसके लिए हमें बाइक को स्टार्ट करना होगा। अगर आप बाइक ऑफ में लगाते हैं कुछ देर, मोबाइल को चार्ज तो कर देगा बट जो बैटरी है वो जल्दी लो हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों पहले बाइक को भी स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स ये बाइक भी ऑन हो चुकी है, अब हम इसे कनेक्ट करके देखते हैं काम करता नहीं करता। ये देखिए दोस्तों इस प्लग को उसके अंदर लगाना है। ये देखिए दोस्तों ये चार्ज हो रहा है, और एक बार आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये निकाल दिया, ये देखिए दोस्तों चार्जिंग पोर्ट निकल चुका है, और वापस इसे देखिए, ये देखिए दोस्तों चार्ज हो रहा है। और जैसे ही आप इस चार्जर को ऑन करेंगे तो जो बोल्ट की ऐप है उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन का पैनल आ जाएगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे इस टाइप से, तो ये एक सेकेंड दोस्तों ये मैंने पहले की राइड है मेरी, तो आप यहाँ से एक राइड को स्टार्ट कर सकते हैं इसे स्टॉप करके। इसे मैंने स्टॉप कर दिया। अब जैसे ही आप नई राइड को स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पे जाइए डैशबोर्ड के ऊपर। हाँ तो दोस्तों अभी जैसे ये नई राइड स्टार्ट कर दी है तो हम चेक करते हैं कि मतलब जैसे आप सामने की तरफ एरिया देख रहे हैं इस इतने एरिया में कि मतलब क्या स्पीड पे किस हिसाब से चलते हैं, सारा कुछ कैलकुलेट कर देगा। तो चलिए दोस्तों इसे शुरू कर लेते हैं। तो राइड को स्टार्ट कर दीजिए, और ये जो पाउच है इसके अंदर मोबाइल को डाल दीजिए। तो देखिए दोस्तों राइड एक्टिवेट हो चुकी है, और अब इसको इसके अंदर डालना है पाउच में, और देखते हैं मोबाइल को कितना चार्ज करता है और साथ में किस हिसाब से कैलकुलेट करता है। तो मोबाइल को इस साइड से इस तरफ यूँ डालना है। ये देखिए दोस्तों, और हाँ तो फ्रेंड्स ये छोटी सी एक राइड ली, अब देखते हैं किस हिसाब से कैलकुलेट करता है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने 50 सेकंड्स की राइड की है, और मैंने टोटल जो डिस्टेंस है वो 0.13 किलोमीटर लिया है, और जो मेरी एवरेज स्पीड है वो 31 किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें आप काफ़ी कुछ भी देख सकते हैं, आप मैनुअली जाके अपनी राइड्स वगैरह राइड्स अराउंड और इसे शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड्स साथ में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके ये चार्जर यूज़ में नहीं है, मान लीजिए अगर आप मार्केट वगैरह में जा रहे हैं और आपको ये डर है कि ये चोरी वगैरह हो जाएगा, तो आप इसे इस टाइप से निकाल के अपनी जेब वगैरह में रख सकते हैं, और जब आपको इसकी ज़रूरत हो अब आप इसे इस टाइप से प्लग करके आप इसको यूज में ले सकते हैं। और आई होप कि आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में उस बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।